बहुत ज़्यादा सोचा था कि मैं कौन से वीडियो बनाऊँ, मेरे को आइडिया ही नहीं आ रहा था, मेरे को आइडिया ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई मतलब बना देते DIY की छुट्टी। तो मैं DIY की लगा आज मैं स्टिकर बनाऊँगी DIY। हाँ यहाँ पर पड़े हैं। तो उसके लिए हम कुछ चाहिए, फर्स्ट आपको पता चल गया होगा मेरे ढंग देखकर, कलर्स तो चाहिए होते हैं और स्टिकर। ओके मैं DIY स्टिकर करने वाली हूँ। तो उसके लिए चाहिए कलर मिसिंग है चाहिए होगा। तो कलर तो हमको चाहिए है। सो कलर क्या बोलूँ, तो कलर चाहिए फर्स्ट। ओके पारदर्शी स्टिक टेप चाहिए हमको, पॉलिथीन वाली तो होती है, कागज वाली होती है, हमको पॉलिथीन वाली चाहिए और वो आर पार दिखने वाले पारदर्शी चाहिए। हाँ एंड नेक्स्ट हमको चाहिए ये मतलब जिस हर स्टिकर के जब हम बाजार से मार्केट से स्टिकर लाते हैं ना तो वो आता है आवाज़ सुने इसकी है ना, ये तो सबसे मेन चीज़ है, ये नहीं तो स्टिकर नहीं, ये और ये वाला टेप बस। और बाकी कलर वगैरह भी चाहिए होते हैं लेकिन ये दो ज़्यादा मेन चीज़ होती है, वैसे तो सारी है। एंड वाइट पेपर और इरेजर के साथ पेंसिल तो चाहिए, पेंसिल पता नहीं निकाल के अभी लाती हूँ, हमें सीजर तो चाहिए है। और ये पता नहीं ड्राइंग बुक में क्यों लेके आ गए हूँ यहाँ पे यार, सो आपको दिख तो रही हूँ ना, मेरे को पता नहीं सच्ची में। सो मैं पेंसिल लाने जा रही हूँ। सो गाइस देखो मैं आ गई हूँ आपके पास, आप नहीं आ पाए थे तो मैं आ गई हूँ। और मैं अगर ऐसे बनाऊँगी तो मेरा सर दिखेगा क्या यार, दिखेगा तो सही, कोई बात नहीं मैं ऐसे कर बना लूँगी। अरे और ये से होता नहीं है। सो गाइस अब मैं बना रही हूँ, सो मैं सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ। सो अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ सो अब मैं बनाने जा रही हूँ स्टिकर। सो चलिए चलते हैं, ये बताओ तो ये किसका डायलॉग है, तो चलिए देखते हैं। वैसे तो वायरल ही है बहुत, और फिर भी आपके लिए सरल ही होगा ये अगर वो माइनस आने की वीडियोस देखती है तो। सो मैं इसको ऐसे लगा कर अब मैं ऐसे बनाऊंगी, सो मैं ऐसे बनाऊंगी, यहाँ पर बनाऊंगी मैं जो भी बनाऊंगी क्या बोल रही हूँ यार। सो मैं बनाऊंगी आइसक्रीम, यहाँ मैं आइसक्रीम ड्रो कर रही हूँ। बहुत अच्छे स्टिकर बनते हैं, आप चाहो तो इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हो। और इसमें ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती जो बाहर से लानी हो, ये सब चीज़ें आपके घर में भी मिल जाती है। और आप तो बड़े स्टिकर भी बना सकते हो अगर आपके पास बड़े से लेटर्स हो तो, आपके पास बड़े स्टिकर का बड़ा स्टिकर भी बना सकते हो। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, जितनी छोटी टेप है मैं स्टिकर थोड़ी टेप बोल रही हूँ, जितनी बड़े आपके पास टेप होती है बना सकते हो। और मैं ये टोपी एंड रेनबो कलर बना रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी ड्रॉइंग बना सकते हो। एंड आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, हमारा फेवरेट यूट्यूब। तो फिर आपका इस तरह से कलर कर देना है एकदम अच्छे से फास्ट फास्ट। अब आपको सारे चीज़ें मैं इस तरह से सिलो पैक चेक देंगे। फिर आपको इसे अच्छी तरह से कट कर देना है सारे स्टिकर को। बाय।
आपको ये स्टिकर जो आते हैं मार्केट में, मैंने आपको पहले बताया था, वो चाहिए आपको। उस पर आप सेलो टेप चिपका दीजिएगा एंड फिर आपको जरूरी नहीं कि आप पहले ही अपने ड्राइंग पे टेप चिपका दो, अभी भी चिपका सकते हो। ये जैसे मैं कर रही हूँ, पहले मैं भूल गई थी इतने दिन से बनाने था ना, इसलिए पर ऐसे करते हैं ना जैसे मैंने किया वैसे सही रहता है। और अब भी कर रहे हो आप वैसे भी कर सकते हो, पहले चिपकानी जरूरी नहीं होती, अभी भी चिपका सकते हो। आपको इसे कट करना है इन सारे स्टिकर्स को। इनको मतलब कि स्टिकर को दिखाने की ट्राई, मतलब कि जो भी हुआ दिखाने की, उसको शेप करने की। जैसे मैं अभी लेती हूँ तो मैं क्या लूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यस मैं YouTube वाला ले लेती हूँ। YouTube वाला तो मैं कभी और यूज लूँगी। कौन सा लूँगा आइडिया नहीं, नहीं रहने दो, क्योंकि मैंने सोचा कि आज चॉकलेट और आइसक्रीम, ये तीन चीज़ें, टॉफी आइसक्रीम एंड चॉकलेट ब्राउन वाले, ये तीनों एक फ्रिज पे फ्रिज के बाहर चिपका लेने। बट छोड़ो, क्या कर रहे हैं अभी नीचे कौन है। हाँ आइडिया, मैं ये चॉकलेट वाला, ये मतलब कि टॉफी वाला यहाँ पे चिपकाऊंगी। आपको इसको क्या करना, जरूरी नहीं हो कि आप उस प्लास्टिक वाले पे ऐसे मतलब ऐसे करके काटो, आप जरूरी नहीं है। आप प्लास्टिक वाले पे ये स्टिकर टेप से चिपकाओ, जरूरी नहीं है, ताकि फिर आप ऐसे उस वैसे जरूरी नहीं है होगा, मैं कितनी बार बोल दूँ। फिर आपको अगर ऐसे किया आपने तो आपके सरल रहेगा। सो ऐसे आपको ना ये निकाल देना, मतलब इस तरह से इसकी जो पॉलिथीन होती है ना वो निकाल देनी है। ये मतलब ये जो हमने लिया था यूज, वो मेन या कैसे वो जो हम बाहर से लाते हैं ना स्टिकर, उसके पीछे वाला होता है ना, वो हम इसे निकाल देंगे। ओनली फॉर वही निकालेंगे, टेप मत निकाल देना, कभी कभार टेप भी निकल जाती है। तो देखो मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, दिख नहीं रहा है, आप समझ जाओ कि वो जैसे होता है। देखो ये निकल गई है, ये अब इसको चिपकाएंगे। चिपका देते, वाव ये कितना प्रीटी लग रहा है ना, वाव। कैसा लगा आपको ये स्टिकर, अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ। सो गाइस यहीं पर होता है मेरा ये वीडियो एंड सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।